कोरोना की महामारी के चलते इस वक्त देशभर में लॉकडाउन का तीसरा चरण जारी है। 17 मई को लॉकडाउन 3 खत्म होने से पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है। इसमें कर्फ्यूग्रस्त इलाकों को छोड़कर मिठाई, हार्डवेयर, रेस्टोरेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सहित कई दुकानों को खोलने की अनुमति जारी की गई। जारी किए गए आदेश के बाद आज कई बाजारों में दुकानें खुली तो कई दुकानें कोरोना संक्रमण के खतरे के चलते बंद ही नजर आई। इस दौरान हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका ने राजधानी जयपुर के जयंती बाजार का जायजा लिया। कोरोना वायरस के चलते देशभर में लॉकडाउन जारी है। तीसरे लॉकडाउन के पूरे होने से पहले ही गहलोत सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है, कई दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। गृह मंत्रालय ने देर रात आदेश जारी किए हैं कि जो रेस्टोरेंट हैं, भोजनालय हैं, ढाबे हैं और मिठाई की दुकानें सहित इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें हैं उन सबको खोलने की परमिशन दी है। उसके बाद राजधानी में कितना बाजार खुला है हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी जयपुर के MI रोड स्थित जयंती बाजार में, जहाँ पर पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक बाजार है। और आप देखेंगे कि अनुमति के बाद यहाँ पर आज व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली हैं। हालांकि ग्राहक इतने नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लंबे समय से ये बंद पड़ी थी दुकानें, और इस लॉकडाउन में करीब 53 दिन के बाद आज यहाँ पर ये दुकानें खुली हैं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से लगभग इंतजार था इन सब लोगों को, और जैसे ही गहलोत सरकार ने ये छूट दी आज ये दुकानें खुली हैं। पूरा नज़ारा जयंती बाजार का, लगभग लगभग यहाँ पर सभी ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली हैं। ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी समय से इंतजार ही कर रहे थे, और जैसे ही छूट का दायरा बढ़ा आज व्यापारियों ने दुकान खोल ली। इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे बात करेंगे, दुकानदार हैं। सर, कितने दिनों के बाद आज आपने अपनी दुकानें खोली? 2.5 महीने के बाद में शॉप खोली है हमने, है ना। तो हमने खोली है 9 बजे शॉप, और अभी तक तो कोई ग्राहक पूछने भी नहीं आया क्या चाहिए क्या नहीं। तो ऐसा कोई मजे वाली बात नहीं है, पहले से ग्राहक की बहुत ही इतनी कम है जो पूछो ही मत, बिल्कुल ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वायरस का जो खतरा है उसको देखते हुए सरकार ने छूट का दायरा बढ़ाया है, आपको अनुमति दी है दुकानें खोलने की, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग साथ ही जो नियम है उनकी पूरी पालना होनी चाहिए। किस प्रकार से आप नियमों की पालना कर रहे हैं? हम सैनिटाइजर से हैं, और कस्टमर को सबसे पहले बाहर रोक लेते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद में बाहर ही हम प्राइस बताते हैं, है ना। लेकिन जितने ग्राहक होने चाहिए वो है नहीं। आज जैसे हमारे पास 20 ग्राहक आते हैं ना, 2 ग्राहक भी हमारे पास नहीं आए अभी तक पूछने, और बाकी हम जो वो डिस्टेंसिंग है वो पूरा पालन हम कर रहे हैं। लेकिन इंतजार था कि अब लॉकडाउन खुले और फिर से अर्थव्यवस्था पटरी पे लौटे, जो जिंदगी थी वो पटरी पे लौटे। लंबे समय बाद में आज आपकी दुकानें खुली है, उम्मीद है अब पहले जैसी जो जीवन है पटरी पे आ पाएगा? अब देखो, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि पटरी पर आ जाए, है ना। लेकिन अब देखो क्या होता है क्या नहीं, वाकई अभी देखो, अभी वेट है हमारे को कब से आए कैसे आए। तो साफ तौर पर प्रदेश सरकार की छूट के बाद आज काफी कुछ असर देखने को मिला है इलेक्ट्रॉनिक बाजार में। पूरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खुली है, हालांकि कस्टमर्स भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले जैसा माहौल यहां पर नहीं है। लेकिन आज पहला दिन है छूट का, छूट मिलने के बाद में बाजार में, और काफी बड़ी तादाद में यहां पर दुकानें खुली है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ग्राहक भी आ रहे हैं, AC कूलर खरीद रहे हैं, पूरी तरह से कहीं ना कहीं दुकानों के बाहर कस्टमर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी इंतजार था कि लॉकडाउन में राहत मिले और दुकानें खुले तो कुछ खरीदारी की जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, AC कूलर सहित कई ऐसी वस्तुएं जिनकी आवश्यकता थी उनको देखते हुए लोगों को भी राहत मिली है और व्यापारियों को राहत मिली है। हालांकि सावधानी की बहुत जरूरी है, तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार है वो सैनिटाइजर, मास्क सहित जो नियम है उनकी भी पालना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ पिंटू सिंह नरूका, MTV जयपुर।